दोस्तों आज की इस वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 के व्यू टैब के सभी ऑप्शन के बारे में जानेंगे और ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 का सबसे लास्ट टैब दिया है। इससे पहले भी हम वीडियो बना चुके हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जैसे क्लिक करके माइक्रोसॉफ्ट में बनी हुई बाकी वीडियो को भी आप देख सकते हो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मुनीश कुमार और आप देख रहे हैं आरजी सीएसएम क्लासेस। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ गए हैं जहां हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 को पहले से ओपन करके रखा हुआ है और इससे पहले वाली वीडियो हमने रिव्यू टैब के सभी ऑप्शन के बारे में सीख लिया है और आज हम एमएस वर्ड के सबसे लास्ट टैब यानी कि व्यू के बारे में समझेंगे। तो व्यू टैब के सभी ऑप्शन को समझने से पहले हमने यहाँ पे अपने पास एक डॉक्यूमेंट बना के रखा हुआ है जिसको हम यूज करेंगे यहाँ पे ऑप्शन को समझने में। तो इसमें सबसे पहला हमें ऑप्शन दिख रहा है रीडिंग मोड। रीडिंग मोड ऑप्शन का यूज करके हम अपने डॉक्यूमेंट को एक बुक के फॉर्मेट में ओपन कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं। ऐसा हम तब करते हैं जब हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट बना हो और केवल हमें उसको रीड करने के लिए यूज करना हो। तो हम रीडिंग मोड पर क्लिक करेंगे तो जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो एक बुक फॉर्मेट में यहाँ पे ओपन हो गया और अगर हम कुछ कंटेंट उसमें से पढ़ने के लिए यूज कर रहे हैं तो रीडिंग मोड ऑप्शन को यूज करके हम उसको पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास मार्जिन और मेनू बार जो भी ऑप्शन थे बाकी सब यहाँ पे हाइड हो गए। ये टूल बॉक्स इसको भी हाइड करा सकते हैं तो इस पर हम क्लिक कर देंगे तो ये भी यहाँ से हाइड हो जाएगा। बाकी अगर मुझे इसको नॉर्मल करना है तो मैं एस्केप बटन दबाऊंगा कीबोर्ड से तो इस तरह से मैं अपने नॉर्मल व्यू में आ गया। अब दूसरा जो ऑप्शन दिया होता है हमारे पास प्रिंट लेआउट व्यू, यानी कि जब हम कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं और उसको हम प्रिंट करेंगे तो प्रिंट कैसा आएगा, वही फॉर्मेट हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है यानी कि वही व्यू हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है जिसमें हम देख सकते हैं मार्जिन भी हमारे पास यहाँ पे दिखाई दे रहा है पेज में कितना मार्जिन सेट है और इसको हम जूम इन और जूम आउट करके भी देख सकते हैं यहाँ पे। तो बाय डिफॉल्ट जो हमारा पहले से एक्टिवेट होगा वो प्रिंट लेआउट व्यू होगा। इसके बाद हमारे पास वेब लेआउट व्यू ऑप्शन दिया होगा तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो कुछ इस तरह से फॉर्मेट में ओपन हो जाएगा। यानी कि अगर हम देखें तो ब्राउजर पे कुछ कंटेंट जब हम ब्राउज करते हैं और कुछ कंटेंट को यहाँ पे ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह से हमें दिखाई देता है ब्राउजर पे, तो वही फॉर्मेट यहाँ पे डॉक्यूमेंट का ओपन हो गया है। तो ऐसा फील होगा जैसे आप ब्राउज कर रहे हो और कुछ डॉक्यूमेंट को यहाँ पे इंटरनेट पे सर्च कर रहे हो। इसके अलावा हमारे पास आगे आउटलाइन व्यू ऑप्शन दिया होगा, इस पे क्लिक करते हैं तो ये आउटलाइन व्यू यहाँ पे एक्टिवेट हो गया। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ऐसे मार्जिन वगैरह बाकी चीजें वो यहाँ से हट गई, केवल हमें कंटेंट दिखाई दे रहा है और इसके अंदर भी हमारे पास कई ऑप्शन दिए होंगे। इन ऑप्शन को भी हम यहाँ पे समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास कुछ हेडिंग बनी हुई है तो यहाँ पे प्लस का सिंबल दिखाई दे रहा है और उसके अंदर जो भी पैराग्राफ्स बने हुए हैं वो हमें बुलेट्स के माध्यम से अलग अलग दिखाई दे रहा है। आगे हेडिंग है तो आगे हमारे पास ये अलग बुलेट्स डला हुआ है और उसके अंदर कुछ सब हेडिंग डली हुई है तो इनको हम अलग अलग लेवल दे सकते हैं। जैसे मेरी मेन हेडिंग है तो इसको हमने लेवल 1 दिया हुआ है और ये ऑटोमेटिक अप्लाई हो गया है, जो भी मेन हेडिंग होगी उस पे लेवल 1 अप्लाई हो जाएगा और हेडिंग के अंदर कोई अगर सब हेडिंग होगी तो उस पे लेवल 2 अप्लाई हो जाएगा। हम इस लेवल को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये हमारे पास ऑप्शन दिया होता है डिमोट और ये प्रमोट का ऑप्शन दिया होगा तो अगर हम किसी हेडिंग का लेवल चेंज करना चाहें तो हम यहाँ से कर सकते हैं इस तरह से। अब ये लेवल 2 हो गई यानी कि हेडिंग 2 की फॉर्मेटिंग हो गई तो हम इसको मेन हेडिंग रहने देते हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शन और दिख रहे हैं, जैसे इस हेडिंग को मुझे मूव कराना है, मैं नीचे की तरफ मूव करा सकता हूँ तो मैं इस पे क्लिक कर दूंगा तो मैं अपनी हेडिंग को मूव करा सकता हूँ। यानी कि मुझे अपनी हेडिंग है वो नीचे की तरफ मूव करानी है तो हमारे पास मूव डाउन का ऑप्शन दिया होगा, इस पे क्लिक करके हम अपनी हेडिंग को डाउन यानी कि नीचे की तरफ मूव करा सकते हैं और अगर ऊपर की तरफ मूव करानी है तो ये मूव अप ऑप्शन दिया होगा, इस पे क्लिक करके हम ऊपर की तरफ उसको मूव करा सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास ये एक्सपेंड और ये कोलैप्स का ऑप्शन दिया होगा, इसका यूज करके हम अपनी हेडिंग में दिए हुए कंटेंट को हाइड कर सकते हैं यानी कि एक तरह से उसको फोल्ड कर सकते हैं। तो जैसे हम इस पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारा जो कंटेंट है वो एक हेडिंग में फोल्ड हो जाएगा, यानी कि मेन हेडिंग दिखाई दे रही है और उसके अंदर का जो कंटेंट था वो यहाँ पे फोल्ड हो गया। इसी तरह से अगर हम इसको फोल्ड कराना चाहें तो इस पे हम क्लिक कर देंगे और इस तरह से फोल्ड करा सकते हैं इस तरह से। अगर ये इसके अंदर का कंटेंट मुझे दोबारा से शो कराना है तो ये प्लस का सिंबल दिया होगा तो क्लिक कर देंगे, जिस हेडिंग का हमें कंटेंट दोबारा से शो कराना है तो ये फिर शो हो जाएगा। बाकी यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो हमें ऑल लेवल का डेटा देखना है या फिर कौन सी लेवल का डेटा देखना है तो वो हम यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। जैसे मैंने ऑल लेवल पे क्लिक किया तो सभी लेवल का हमें डेटा यहाँ पे दिखाई दे रहा है और अगर मैं चाहता हूँ कि लेवल 2 वाला ही डेटा मुझे दिखाई दे तो मैं लेवल 2 पे क्लिक कर दूंगा। अब हमें यहाँ पे लेवल 2 का डेटा दिखाई दे रहा है यानी कि ये डेटा और इसमें हमें लेवल 1 का भी डेटा दिखाई दे रहा है और अगर केवल मुझे लेवल 1 का डेटा देखना है तो मैं इस तरह से क्लिक करके लेवल 1 का डेटा देख सकता हूँ।
और मैं ऑल पे क्लिक कर दूंगा तो ऑल लेवल का डेटा हमें दिखाएगा। आगे हमारे पास ऑप्शन दिया है शो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, यानी कि अगर हमने हेडिंग पे या किसी कंटेंट पे कुछ फॉर्मेटिंग लगा रखी है तो फॉर्मेटिंग हमें वैसी दिखाई दे रही है जैसे हमने लगाई है। और अगर ये फॉर्मेटिंग मुझे नहीं चाहिए, फॉर्मेटिंग मुझे देखनी नहीं है, तो मैं यहाँ पे शो फॉर्मेटिंग से टेक हटा दूंगा तो जो हमारा कंटेंट है वो नॉर्मल हो जाएगा इस तरह से। और अगर ये फॉर्मेटिंग मुझे लगानी है तो शो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में क्लिक कर देंगे। आगे हमारे पास शो फर्स्ट लाइन ओनली ऑप्शन दिया होगा, यानी कि इस ऑप्शन का यूज करके मैं प्रत्येक बुलेट्स की यानी कि प्रत्येक पैराग्राफ की पहली लाइन को ही शो करा सकता हूँ। तो जैसे मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो अब हमें यहाँ पे दिख रहे थे अलग अलग पैराग्राफ बने हुए थे, तो प्रत्येक पैराग्राफ की हमें यहाँ पे केवल पहली लाइन दिखाई दे रही है और लास्ट में यहाँ पे डॉटेड दिखाई दे रहा है, यानी कि ये फोल्ड हो चुकी है। तो दोबारा से हम क्लिक कर देंगे इस पर, यानी क्लिक करके इस चीज़ को हटा देंगे तो फिर से वो नॉर्मल हो जाएगा। तो इस तरह से हम इस आउटलाइन व्यू को यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे क्लोज आउटलाइन व्यू पे क्लिक करके इसको क्लोज कर देंगे और दोबारा से व्यू टैब पे आते हैं। आगे हमारे पास ड्राफ्ट व्यू ऑप्शन दिया होगा, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो इसमें हमारा पूरा कंटेंट एक साथ दिखाई देगा। ये हमारा ड्राफ्ट व्यू है, इस तरह से आप देख सकते हैं। यहाँ पर मार्जिन हमारा नहीं शो हो रहा है, केवल कंटेंट शो हो रहा है। और यहाँ पर फॉर्मेटिंग को अच्छे से कर सकते हो, यानी कि अगर आपको कोई एडिटिंग करनी है तो ड्राफ्ट व्यू में क्लिक करके आप यहाँ पर फॉर्मेटिंग ईजिली कर सकते हो। तो इस तरह से हमारे पास ये व्यू का ग्रुप दिया होता जिसमें हमने अलग अलग व्यू यूज़ किए थे। आगे हमारे पास शो ग्रुप दिया होगा, इसमें कुछ ऑप्शन दिए होंगे जैसे रूलर। तो इस ऑप्शन को यूज़ करने से पहले हम अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट लेआउट फॉर्म में ओपन कर लेते हैं। अब जैसे हमने प्रिंट लेआउट पर क्लिक किया तो हमें यहाँ पे एक पेज मूवमेंट नया ग्रुप मिल गया, तो इसको भी हम यहाँ पे समझ लेते हैं। वर्टिकल वाला ऑप्शन दिया है और एक साइड बाई साइड ऑप्शन दिया है, यानी कि वर्टिकल वाला जो ऑप्शन है वो पहले से यहाँ पे एक्टिवेट है। अगर हमें पेज को देखना है तो वर्टिकली यानी कि इस तरह से देख सकते हैं एक एक करके, और नीचे की तरफ पेज हमारे पास शो होते जाएंगे। अगर यही सब पेज मुझे साइड बाई साइड स्लाइड करके देखने हैं तो हमारे पास साइड बाई साइड ऑप्शन दिया होगा, इसमें हम क्लिक कर देंगे तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं साइड बाई साइड हमारे पास जो पेज है वो फोल्ड होकर इस तरह से हमें दिखाई देंगे, इस तरह से हम देख सकते हैं। तो फिर से हम नॉर्मल कर देते हैं वर्टिकल। आगे हमारे पास शो ग्रुप दिया होगा, इसमें पहला ऑप्शन है रूलर, यानी कि हमारे पास रूलर दिया होता है। इस रूलर को अगर हमें हाइड कराना है तो हम यहाँ से हाइड करा सकते हैं, तो ये यहाँ से हट जाएगा। अगर मुझे शो कराना है तो क्लिक करके हम उस रूलर को शो करा सकते हैं। आगे हमारे पास ग्रिड लाइन ऑप्शन दिया होगा, इसमें हम क्लिक करेंगे तो पेज में हमारे पास ये कुछ ग्रिड लाइन एक्टिवेट हो जाएंगी। यहाँ पर ग्रिड लाइन का मतलब होता है कि हमारे पास मार्जिन को छोड़ने के बाद कितना एरिया है जिसे हम पेज में कंटेंट लिखने के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये एरिया हमें दिखाई दे रहा है जहाँ पर ये लाइनें दी होंगी ग्रिड लाइन, उतना एरिया हम कंटेंट लिखने के लिए यूज कर सकते हैं। बाकी जो बाहर का एरिया है वो हमारा मार्जिन है, इस तरह से हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोबारा से हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये लाइनें यहाँ से हट जाएंगी। आगे हमारे पास नेविगेशन पेन का ऑप्शन दिया होगा, इस ऑप्शन को मैं व्यू टैब के अंदर भी बता चुका हूँ, तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पर हमें फॉर्मेटिंग दिखाएगा जो भी हमारी हेडिंग बनी होगी। तो जिस किसी हेडिंग पे जाना है मैं क्लिक करके उस हेडिंग पे जा सकता हूँ। बाकी हमारे पास पेज का क्या ओवरव्यू बना हुआ है यहाँ पे, तो पेज हम देख सकते हैं कितने पेज बने हुए हैं और उनका एक ओवरव्यू भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये हमारा नेविगेशन पेन होता है, इसको हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं। आगे हमारे पास जूम का ग्रुप दिया हुआ है जिसमें पहला ऑप्शन है जूम। तो जूम ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो हम अपने डॉक्यूमेंट को जूम करा सकते हैं, कितने परसेंटेज हमें जूम कराना है तो वो हम आपसे परसेंटेज सेलेक्ट करके अपने डॉक्यूमेंट को जूम करा सकते हैं। बाकी अगर मुझे अपने डॉक्यूमेंट को नॉर्मल करना है तो क्लिक कर देंगे, ये नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद वन पेज का ऑप्शन दिया होगा, अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो हमारी स्क्रीन पर एक पेज कम्प्लीट दिखाई देगा, इस तरह से हम देख सकते हैं। और मुझे इसी स्क्रीन पर मल्टीपल पेज एक साथ देखने तो मैं यहाँ पे मल्टीपल पेजेस पे क्लिक कर दूंगा तो हमें स्क्रीन पे मल्टीपल पेजेस एक साथ दिखाई देंगे, इस तरह से हम देख सकते हैं यहाँ पे। बाकी आगे हमारे पास पेज विड्थ का ऑप्शन दिया होगा, इस पर क्लिक करके जो हमारी डॉक्यूमेंट की चौड़ाई है वो विंडोज़ की स्क्रीन के हिसाब से फिट हो जाएगी, तो इस तरह से हम इसको फिट करा सकते हैं। आगे हमारे पास न्यू विंडो का ऑप्शन दिया होता है, न्यू विंडो का मतलब होगा जैसे हमारे पास ये एमएस वर्ड की पूरी विंडो यानी पूरा डॉक्यूमेंट खुला हुआ है, इसी तरह से इसी का एक डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट यहाँ पे ओपन हो जाएगा, हम देख सकते हैं। अब दोनों डॉक्यूमेंट यहाँ पे डुप्लीकेट हो गए, अगर हम चाहें तो एक से ज़्यादा खुली हुई विंडोज़ को एक ही स्क्रीन पर अरेंज करा सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे अरेंज ऑल का ऑप्शन दिया होगा, क्लिक कर देंगे तो एक ही स्क्रीन पर हमारे पास दो विंडो इस तरह से सेट हो गई और दोनों विंडोज़ को हम यहाँ पे देख सकते हैं।
इस पे क्लिक करके हम फुल स्क्रीन कर लेते हैं। बाकी हमारे पास आगे स्प्लिट का ऑप्शन दिया होता है। स्प्लिट का मतलब होता है जो हमारे पास पूरा डॉक्यूमेंट खुला हुआ है इसको बराबर पेजों में तोड़ना, तो मैं क्लिक कर दूंगा। तो इस तरह से ये डुप्लीकेट पेजों में टूट जाएगा, ऊपर के पेजेस और नीचे के पेजेस सेम होंगे। तो इस तरह से हम इसको स्प्लिट करा सकते हैं। बाकी अगर मैं रिमूव स्प्लिट पर क्लिक कर दूंगा तो ये रिमूव हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास एक व्यू स्लाइड बाय स्लाइड ऑप्शन दिया होगा, यानी कि अभी हमने एक ही स्क्रीन पे दो विंडोज को सेट किया था और वो हमने हॉरिजॉन्टली फॉर्मेट में सेट किया था। अगर वो मुझे वर्टिकल फॉर्मेट में सेट करना है तो व्यू स्लाइड बाय स्लाइड पे हम क्लिक कर देंगे तो दोनों विंडो हमारे पास वर्टिकल फॉर्मेट में सेट हो जाएंगी ऑटोमेटिक। इस तरह से देख सकते हैं। तो हम फुल स्क्रीन करते हैं और अगला ऑप्शन देख लेते हैं। अगला ऑप्शन हमारे पास रीसेट विंडो पोजीशन का ऑप्शन दिया होता है, तो इस पर हम क्लिक करके जो भी पोजीशन हमारी उसको रीसेट करा सकते हैं। तो इस तरह से ये रीसेट हो जाएगी और मैं फिर से इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ। आगे हमारे पास एक स्विच विंडो ऑप्शन दिया होगा, यानी कि स्विच विंडो ऑप्शन का यूज़ करके हम अपनी विंडोज़ को स्विच करा सकते हैं। यानी कि हमारे पास एक से ज़्यादा विंडो अगर खुली हुई है MS Word की, तो एक से दूसरी विंडो पर पहुँच सकते हैं। तो मैं पहली विंडो पर आना चाहता हूँ, तो यहाँ पे रिव्यू बन के नाम से दी होगी तो मैं क्लिक कर दूंगा। ये मेरे पास विंडो ओपन हो गई पहली वाली, इसको मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। अगर यहाँ से मुझे दूसरी विंडो पे जाना है तो मैं क्लिक कर लूँगा यहाँ पे रिव्यू टू पे और मैं दूसरी विंडो पे चला जाऊँगा। तो इस तरह से हम एक से दूसरी विंडो पे जाने के लिए स्विच विंडो ऑप्शन का यूज़ करते हैं। आगे हमारे पास मैक्रो ऑप्शन दिया होगा, ये व्यू टैब का सबसे लास्ट ऑप्शन है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। मैक्रो का यूज़ करके हम सेम फॉर्मेटिंग को रिकॉर्ड करके रख सकते हैं और उस फॉर्मेटिंग की हमें जब भी ज़रूरत पड़े उसको एक ही क्लिक में अप्लाई कर सकते हैं। अब मान के चलो जब मैं कोई डॉक्यूमेंट बनाता हूँ तो मुझे सेम फॉर्मेटिंग है वो बार बार करनी पड़ती है, यानी कि मैं ऐसा कोई काम करता हूँ जो मुझे फॉर्मेटिंग बार बार करनी पड़ती है और वो कई स्टेप में करनी पड़ती है, तो मैं कई स्टेप में उस फॉर्मेटिंग को करता हूँ जिससे मेरे टाइम की बर्बादी होती है। तो मैं क्या करूँगा, मैक्रो ऑप्शन का यूज़ करके मैं उस फॉर्मेटिंग को रिकॉर्ड करके अपनी एक फाइल में सेव कर लूँगा और जब भी मुझे जरूरत पड़े उसको एक ही क्लिक में अप्लाई कर सकता हूँ जिस डेटा पर मुझे अप्लाई करना है। तो यहाँ पर हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं किस तरह से हम इसको अप्लाई करते हैं और किस तरह से फॉर्मेटिंग को रिकॉर्ड करते हैं। तो हमें एक बात का यहाँ पर ध्यान रखना है, जब हम फॉर्मेटिंग को रिकॉर्ड करते हैं तो जिस पे हम फॉर्मेटिंग लगा रहे हैं तो पहले हम उस डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैंने इसका सिलेक्शन ले लिया है, इससे मुझे फॉर्मेटिंग करनी है और जो मैं इस पर फॉर्मेटिंग करूँगा वो रिकॉर्ड भी करनी है। तो मैक्रो रन करने से पहले हम डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं और मैक्रो रन होने के बाद हम किसी भी डेटा को सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो उसके बाद हम मैक्रो पर क्लिक करेंगे और रिकॉर्ड मैक्रो का हमें ऑप्शन दिया होगा यहाँ पे, और इस तरह से हमारे पास यहाँ पे मैक्रो 1 मैक्रो 2 नाम दिया होगा। हम इस नाम को चेंज करा सकते हैं, मैं यहाँ पे कोई नाम दे देता हूँ इसको टेक्स्ट फॉर्मेट। अगर हमें इस फाइल को कोई कीवर्ड शॉर्टकी देनी है तो कीवर्ड पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे इस तरह से एक विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ पे हमसे पूछा जाएगा प्रेस न्यू शॉर्टकी, यानी कि हमें अपनी यहाँ पे कीवर्ड शॉर्टकी दबानी है जो हम शॉर्टकी फाइल को देना चाहें। तो जैसे हम कंट्रोल सी कॉपी के लिए यूज़ करते हैं, कंट्रोल प्लस वी पेस्ट के लिए यूज़ करते हैं, इस तरह की शॉर्टकी हमें यहाँ पे यूज़ नहीं करनी है, हमें कुछ डिफरेंट शॉर्टकी यूज़ करनी है। जैसे हम कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी यूज़ कर रहे हैं और जैसे मैंने कीबोर्ड से दबाया तो हमारे पास यहाँ पे ऑटोमेटिक टाइप हो के आ गई। आसान पे हम क्लिक कर देंगे, उसके बाद हम इसको क्लोज पे क्लिक करेंगे तो ये मैक्रो हमारा रन हो गया। आइकन देख सकते हैं, कर्सर का हमें आइकन दिखाई दे रहा है। अब हमें इस डेटा पर जो भी फॉर्मेटिंग करनी है वो हम फॉर्मेटिंग लगा लेते हैं। तो जैसे मैंने इसकी स्टाइल को चेंज कर दिया, इसकी साइज को चेंज कर दिया और मैं इसमें अंडरलाइन डाल देता हूँ। तो ये फॉर्मेटिंग मैंने कर दी इस पर। अब मैं क्या करूँगा, व्यू वाले टैब पे आता हूँ, मैक्रो ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर देंगे तो जो भी हमारी रिकॉर्डिंग चल रही थी वो हमने स्टॉप कर दी है, यानी कि जो भी हमने अभी इस पर फॉर्मेटिंग की थी वो मैक्रो ने रिकॉर्ड कर लिया है। अब इस तरह की फॉर्मेटिंग मुझे इसी दूसरे डेटा पे चाहिए तो मैं इस डेटा को सिलेक्ट करता हूँ और मैक्रो पे क्लिक करूँगा। उसके बाद व्यू मैक्रो का ऑप्शन दिया होगा, इस पर हम क्लिक करेंगे तो जो हमने फाइल को नाम दिया था वो हमें यहाँ पे नाम दिख रहा है। उसके बाद हमें रन पे क्लिक कर देना है और रन पे क्लिक करते ही ये फॉर्मेटिंग एक ही क्लिक में इस पर अप्लाई हो जाएगी। इसके अलावा हमने इस डेटा की एक शॉर्टकी भी बनाई थी तो हम शॉर्टकी भी यूज़ करके देखते हैं। तो मैं इसको दोबारा से सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी मैंने शॉर्टकी यूज़ की थी तो मैं यहाँ पे कीबोर्ड से जैसे प्रेस करूँगा तो ये फॉर्मेटिंग एक ही बार में उसमें अप्लाई हो जाएगी। तो इस तरह की फॉर्मेटिंग को रिकॉर्ड करके सेव करने से हमारे जो टाइम की है वो बचत हो जाती है और बार बार हमें सेम फॉर्मेटिंग नहीं करनी पड़ती है। तो ये मैक्रो है, बहुत ही काम का ऑप्शन है। इस तरह से हमने व्यू टैब के सभी ऑप्शन को कवर कर लिया है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और अगर वीडियो को लेकर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछ सकते हैं।
अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।